सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम रील्स पे ऐड कैसे बनाएंगे, किस तरह से कैंपेन क्रिएट करेंगे ताकि आपका जो ऐड है इंस्टाग्राम रील्स पे दिखे, फेसबुक के स्टोरी पे दिखे और इंस्टाग्राम के स्टोरी पे दिखे। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के साथ। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की डेट में इंस्टाग्राम रील्स के ऐड का या टिकटॉक ऐड का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अगर आपकी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आपका एजुकेशन सेक्टर हो गया, आपका ई कॉमर्स सेक्टर हो गया, आपका कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गया, आपका कोई सर्विसेज हो गया, तो आप इजिली इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, आप अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि किस तरह से कैंपेन क्रिएट करेंगे ताकि उनका कैंपेन सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स पे दिखे, क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है कैंपेन बनाते टाइम और क्या टेक्निक होता है, क्या क्या चीजें यूज करनी पड़ती है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल डिजिटल काका, मेरा नाम राहुल राय है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं चैनल को और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना भूल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे सो गाइस, मैं आ गया हूं अपने कैनवा के अकाउंट पे। अगर आपको इंस्टाग्राम पे जो ऐड बनाएंगे रील का, तो उसके लिए आपको एक रील्स का ऐड फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैनवा पे बहुत सारे ऐसे फ्री टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, वहां पे आपको अपने ऐड के अकॉर्डिंग एक ऐड क्रिएट कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट हैं, कोई भी एक टेम्पलेट उठा लेंगे आप और उसको थोड़ा बहुत एडिट करके जो है आप उसको अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक टेम्पलेट है यहाँ पे, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। अब इसको हम डिजाइन कर लेते हैं अपने ऐड के अकॉर्डिंग। आपको इंस्टाग्राम का जो रील ऐड है इसके लिए आपको एक फॉर्मेट चाहिए क्योंकि अदर कोई फॉर्मेट वहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, राइट। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ये मेरा रील का ऐड हो गया। अब इसको आप चाहेंगे तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ये अगर मैं पूरा प्रॉपर बनाने जाऊंगा, ऐड क्रिएट करने जाऊंगा ये वाला, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि एक रील ऐड आपके पास होना चाहिए इस तरह का, जब भी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जब एड्स मैनेजर पे आप आएंगे, हमेशा मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि एड्स मैनेजर से ऐड क्रिएट करो, यहाँ पे आपका पैसा नहीं फंसेगा, आपका ऐड जो है प्रॉपर तरीके से रन होगा। अब यहाँ पे आप प्लस का आइकन देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन एक है, यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपको अवेयरनेस चाहिए, आपको ट्रैफिक चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपको लीड चाहिए, आपको ऐप प्रमोट करना है, आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए वेबसाइट पे ट्रैफिक, ठीक है, या वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए कि आपके उस वीडियो पे लोग क्लिक करें, कमेंट करें, लाइक करें, तो कुछ भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स का बिजनेस हम प्रमोट कर रहे हैं तो ट्रैफिक पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। ऑब्जेक्टिव आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जो भी आपको लगे कि हाँ आपको सेल करना है तो सेल ऑब्जेक्टिव लोगे, आपको लीड जनरेट करना है तो आप लीड ऑब्जेक्टिव लोगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आपको एक ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। अब यहाँ पे न्यू ट्रैफिक कैंपेन है, इसको हम चेंज कर देंगे, रील पेस्ट ऐड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे नीचे और यहाँ पे हम बजट जो डालेंगे 200 रुपए डेली बजट डाल देंगे, 200 डेली हमें यहाँ पे ऐड चलाना है 200 का। और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन जो है हम वेबसाइट दे देंगे। अब वेबसाइट देने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे ऑडियंस वाले सेक्शन में, राइट। तो ऑडियंस जो है यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। अब जैसे अब मुझे ऐड जो चलाना है, बेसिकली मुझे चलाना है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट है। और अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे इंडिया में नहीं चलाना, किसी पर्टिकुलर सिटीज में चलाना है, जैसे मुझे दिल्ली में चलाना है तो मैं दिल्ली यहाँ से ले लूंगा, मुझे नोएडा में भी चलाना है तो मैं नोएडा ले लूंगा, मुझे गुड़गांव में चलाना है तो मैं गुड़गांव भी ले लूंगा। तो इस तरह से मैं सिटीज यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। एज ग्रुप में आएंगे, एज ग्रुप में ई कॉमर्स शॉपिंग में बेसिकली आपको सिलेक्ट करना है 20 से लेके यहाँ पे आपको 40 साल तक आप कर सकते हो। ऑल जेंडर्स में फीमेल के क्लोथ्स हैं तो फीमेल कर देंगे, मेन के क्लोथ्स हैं तो मेन कर देंगे। अब आ जाएंगे हम डेमोग्राफिक्स में, ठीक है, यहाँ पे एडिट करेंगे और इंटरेस्ट में हम जाएंगे। इंटरेस्ट में हम कुछ कोई कीवर्ड एक सर्च करेंगे, लाइक जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे ड्रेस, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट आ जाएंगे। तो जैसे पार्टी ड्रेस हमने डाल दिया, अब पार्टी ड्रेस डाल दिया, अब यहाँ पे हम सजेशंस में आ जाएंगे। सजेशंस में देखेंगे बहुत सारे फेसबुक खुद हमें सजेस्ट करेगा, तो यहाँ पे ड्रेसेस ले लेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे, फिर यहाँ पे इंगेज्ड शॉपर ले लेंगे, क्लोथिंग ले लेंगे, फैशन एक्सेसरीज ले लेंगे, तो ये इतनी चीजें ले लेंगे। अब इस हिसाब से आप देख लेना कि क्या क्लोथ्स हैं और किस हिसाब से आप डालते जाओगे इसमें, तो
चीजें आती जाएंगी। बहुत ज्यादा ये टारगेट भी नहीं कर लेना ताकि ये बहुत ज्यादा हो जाए तो वहां से बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। लैंग्वेज में ऑल लैंग्वेज आप रहने दे सकते हो, अन्यथा अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी टारगेट कर सकते हो और यहाँ पे हिंदी आप टारगेट कर लोगे। उसके बाद इस ऑडियंस को हम सेव कर देंगे। यहाँ पे जो सेव करेंगे हम इस नाम से करेंगे रील्स की, हम बाद में अगर जब भी हम कभी रील्स ऐड हमें चलाना हो और इसी टॉपिक पे था इजिली यहाँ से हम जो ले सकें इसको। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जब ऑडियंस हमारा सेट हो गया, सारी चीजें यहाँ पे सेट हो गई, अब आ जाएंगे प्लेसमेंट पे। यहाँ पे फेसबुक आपको रिकमेंड करेगा एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेड रहेगा, बस इसको आपको नहीं लेना है, आपको मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक कर देना है और आपको ऐड चलाना है इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे, रील में चलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओगे, अब यहाँ पे इसको भी अनचेक करना है, इसको भी अनचेक करना है, स्टोरी एंड रील्स आ रहा है वो बाद में हम देखेंगे, अभी पहले सारा अनचेक कर देते हैं। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे स्टोरी एंड रील्स आ गया, तो स्टोरी एंड रील्स हम ले लेंगे यहाँ पे और जब इस पर हम फीड्स पे क्लिक करेंगे तो ये चीजें आएंगी, ये चीजें हमें हटा देनी है, हमें यहाँ पे चलाना ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया और फेसबुक स्टोरी हो गया, तो हमें चलाना है फेसबुक स्टोरीज में चलाना है, हमें इंस्टाग्राम स्टोरीज में चलाना है, हमें इंस्टाग्राम रील पे चलाना है, इन्हीं जगह पे हमें ऐड हमारा जो है चलाना है। ये चीजें सिलेक्ट हो गई, ये इन आर्टिकल हटा देंगे, फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे जब नेक्स्ट करेंगे तो हमें एक पेज सिलेक्ट करना होगा, यानी फेसबुक पे आपका एक पेज होना चाहिए तभी आप ऐड क्रिएट कर सकते हो। तो फेसबुक पेज हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो मेरा डिजिटल काका का पेज है तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। अभी अब आ जाएंगे यहाँ पे हम टाइम पे जहाँ पे हमें ऐड क्रिएट करना है, तो ऐड मीडिया का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें हम ऐड वीडियो पे क्लिक करेंगे और ऐड वीडियो पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे अपलोड पे। तो ये हमने रील्स वाला जो वीडियो बनाया था ये हमारा रील्स वाला वीडियो है और ये चीज यहाँ पे इजिली आ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से आपका ऐड जो है दिखने वाला है, जो रील्स ऐड है। आप इसमें अपने हिसाब से थोड़ी चीजें और लिखोगे, अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखोगे, ठीक है। आप अगर इसमें लिखते हो कि 50% बाय नाउ लिख के आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे एक वेबसाइट का URL देना, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ठीक है मैं एक ले लेता हूँ, जैसे फैशन है, फैशन पे आए, वुमेन एथनिक है, ये URL हमने कॉपी किया और हम यहाँ पे आ गए और हमने यहाँ पे इसको डाल दिया। प्रीव्यू URL आप देख सकते हो, अगर कोई क्लिक करेगा तो इस तरह से ये URL ओपन हो जाएगा। तो अगर आपका कोई ई-कॉमर्स का बिजनेस है तो इस तरह से आप डाल सकते हो। अब ये देखो जो हमने ऐड क्रिएट किया था यहाँ पे ये चीजें आ गई, राइट। तो इस तरह से ऐड दिखेगा। कॉल टू एक्शन देना है, लर्न मोर का जो ऑप्शन आ रहा है इसको हमें हटाना है यहाँ से। ये कॉल टू एक्शन है, यहाँ पे आपको कर देना है सिंपली शॉप नाउ। तो ये देखो शॉप नाउ अपडेट हो गया, अब कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उस वेबसाइट के पेज पे चला जाएगा, ये शॉप नाउ हो गया। चैट विद अस में आप डाल सकते हो, चैट विद अस कर दो या कॉल अस कर दो या कुछ भी आप कर सकते हो, और आप इसको कर दोगे पब्लिश। ये एड आपका देख रहे हो इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे चलने वाला है, राइट। तो ये चीजें हैं, आप देख लिए किस तरह से स्टोरी में आपका जो है ऐड आएगा, रील्स में किस तरह से ऐड आएगा, और अगर कोई परचेस करना चाहेगा तो इस पर क्लिक करके परचेस कर देगा। तो ये सिंपल सा टेक्निक्स होता है और इसके बाद यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देंगे, ऐड पब्लिश हो जाएगा, रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाने के कुछ देर के बाद रन हो जाएगा ऐड। चलो ठीक है, ऐड हमारा क्रिएट हो गया। अब बैलेंस के लिए आपको क्या करना होता है, इस पर क्लिक करना होता है, ये जो बिलिंग का ऑप्शन है बिलिंग पे आपको जाना होता है, और बिलिंग पे जाने के बाद यहाँ से आपको ऐड फंड करके पैसे ऐड कर देने हो। सिंपल सा प्रोसेस होता है, कोई भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी, तो प्लीज चैनल को एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।